आगरा में घर के भीतर गमलों में पानी डाल रही थी महिला, चैन लूटकर भागा लुटेरा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आईपीएस अनुकृति शर्मा की बुलंदशहर के बाजार में व्यापारियों से जमकर हुई नोकझोंक। अनुकृति शर्मा बाजार में अतिक्रमण हटवाने पहुंची थी। अज्ञात कारणों के चलते लकड़ी से भरी दुकान में लगी आग, दुकान में आग लगने से करीब 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। मामूली विवाद के चलते बीच चौराहे पर जमकर चले लात घूंसे और बेल्ट, घटना पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली इलाके के ईदगाह चौराहे की। कानपुर में बीच सड़क मारपीट का वीडियो वायरल, कार से आए आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने की मारपीट, नवाबगंज थाना क्षेत्र की घटना। मिर्जापुर में हुई मारपीट, युवक को गिरफ्तार कर लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। वाराणसी में जाम में फंसे एमएलए, समर्थकों ने टोल बूथ पर दबंगे की, मुफ्त में पार करा दी 120 गाड़ियां, सीसीटीवी के जरिए वीडियो आया सामने। दिल्ली के शास्त्री नगर में अचानक गिरी 4 मंजिला इमारत, वीडियो हुआ वायरल। लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ सफल, अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की। बदायूं के गांव नवादा बदन में बेखौफ बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर युवक को बेरहमी से पीटा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।